हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? पढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल जाएगी बच्चों। तो बेटा, हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बेटा अगले वीडियो में आ गए हैं। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी की एक अलग प्लेलिस्ट है, इसका लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा बेसिक जो प्रोबेबिलिटी होती है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी क्या है ना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, बेस थ्योरम क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, इसके लिए बेटा एक अलग पूरी प्लेलिस्ट है जो मैंने आईआईटी के बच्चों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हुआ था, वो उसका भी लिंक बेटा मैंने दे दिया। उस पर जाके डिटेल से उसको पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में कुछ और अच्छी अच्छी बातें बच्चों आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ने जेब में क्या रखा, ये पेन है ना, पेन का कैप जो है इधर उधर फेंक देता हूँ मैं कई बार, तो जेब में रख देता हूँ संभाल कर, इससे खोता नहीं, अगर खो गया तो पेन सूख जाएगा, टेंशन नहीं पालो, पढ़ाई मस्त चलनी चाहिए। देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, हम लोग कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालें, है ना। देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे मीन है, मीडियन है, मॉड है, और जो कोफिशियंट्स निकालते हैं, मूवमेंट्स निकालते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है जैसे स्टेटिस्टिक्स है ना, बेसिक स्टेटिस्टिक्स आप लोगों ने शायद 10th लेवल में पढ़ा होगा, या आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग से आपने पढ़ा होगा। बेसिक स्टेटिस्टिक्स जो है, इसका मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और हो सकता है जब तक आप वीडियो पढ़ रहे हों तब तक ये प्लेलिस्ट अपलोड भी हो जाए, है ना, और आप उसको सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स बाय HD मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर मैंने पढ़ा दिया होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो उसको मैं अपलोड करने लग जाऊंगा और मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने नहीं पढ़ाया है, हो सकता है इन फ्यूचर में पढ़ा दूँ, हो सकता है आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद ये वीडियो देखें तो हो सकता है आपको स्टेटिस्टिक्स पूरा मिल जाए, तो टेंशन नहीं पालना, है ना, सर्च करके देखा करो हमेशा। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो क्या है बच्चों, जैसे कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और इसमें मैंने बताया था एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया जाता है, एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है, इसको हम PDF कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है ना, तो क्या चाहिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। थोड़ा ऊपर चला गया है तो मैंने बोल दिया यहाँ पर क्या लिखा, कई बार थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं पालो। मतलब मीन है, मीडियन है, मॉड है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर कैसे निकालनी। देखो बच्चों क्या होता है, जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी मीन है और वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हम लोग निकालते हैं। वो जो प्रोबेबिलिटी की एक प्लेलिस्ट अलग से है ना, जो मैंने IIT के बच्चों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये मैंने आपको समझाया हुआ है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कि आखिर मीन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। उसके लास्ट वाले वीडियोस में आपको ये सब मिलेगा, वहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा, उसका भी मीन वगैरह वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है सब। ठीक है ना, बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, उसको जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है ना, हाँ, बाकी चीज़ें जैसे कि और बहुत सी चीज़ें होती, कोफिशेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, है ना, देखो समझो ध्यान से। और यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो मैंने बेसिक प्रोबेबिलिटी में चीज़ें पढ़ाई थी वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़ाई थी, ध्यान देना जरा। देखो ना, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए चीज़ों को पढ़ रहे हैं। देखो मान लो कि स्मॉल fx मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो कि दिया गया है, इस पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना स्मॉल fx, ये हमको दिया रहेगा, ये बात ध्यान दो, क्योंकि तभी हम प्रोबेबिलिटी वगैरह निकाल सकते हैं, ये हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये यहाँ पर गिवन होगा। देखो ध्यान दो, अगर हमको, और मान लीजिए जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो ए से लेकर बी तक है, जो हमारा एक्स है, मतलब रैंडम वेरिएबल जो है वो ए से लेकर बी तक दिया गया। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, है ना, अर्थमेटिक मीन, या इसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं, इसी को हम सिंपल मीन भी कहते हैं, आगे चल के हम लोग इसको एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, ये बताएंगे आपको, इसको हम लोग एक्सपेक्टेशन भी कहा करते हैं,
और एक्सपेक्टेशन को हम लोग डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे, इसको एक अलग चैप्टर की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक ये मैंने पढ़ा दिया हो, ठीक है। देखो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए ए से बी की तक अगर आपको जाना है तो इंटीग्रल ए टू बी और एक्स एफ एक्स डी एक्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन आपको मिलेगा। रैंडम वेरिएबल हमारा ए से लेकर के बी तक जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टर्म देखो यहां पर आता है, इसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो हार्मोनिक मीन जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, ये होता है 1/h बराबर इंटीग्रल ए टू बी और एफ एक्स वाई एक्स डी एक्स। इस तरीके से बच्चों यहां पर देखो हम लोग 1/h की वैल्यू निकालते हैं। तीसरा देखो बच्चों होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन देखो बच्चों यहां पर हम लोग कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को जी कहा जाता है। देखो एक्चुअली जी नहीं निकालते हैं बल्कि जी की प्लेस पर हम लोग लॉग जी निकालते हैं, और लॉग ऑफ जी बेस ई होता है इंटीग्रल ए टू बी, और ये हो जाता है हमारा लॉग एक्स और इनटू एफ एक्स डी एक्स। ये बात ध्यान दीजिए, इसकी हेल्प से हमें ज्योमेट्रिक मीन मिल जाता है ना। तो ये सारे बेसिक फार्मूले हैं जो कि हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में स्मॉल एफ एक्स दिया जाएगा और ये बताया जाएगा एक्स कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो हम अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इन फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी मैं आपको इसके डिटेल क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन नहीं पाना, पहले सारे फार्मूले उसको लिखो। देखो ध्यान दो, फिर क्या होता है, जैसे वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, मीडियन भी पढ़ेंगे, मोड भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो, एक टर्म स्टैट्स में डिफाइन किया जाता है जिसको मोमेंट कहा जाता है। तो मोमेंट क्या होता है, देखो इस पर मैं भी बहुत डिटेल डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ, जब मैं स्टेट्स पढ़ाऊंगा वहाँ पर डिस्कस करूँगा। मोमेंट्स निकालने के फार्मूले जरा हम लोग यहाँ पर नोट कर लें। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट से फायदा ये होता है कि जब हम मोमेंट्स निकाल लेते हैं तो वहाँ पर म्यू आर और म्यू आर डैश जैसी कुछ चीज़ें निकालते हैं, अभी आपको बताएंगे, तो उनसे फायदा क्या होता है, ये सब चीज़ें एक साथ निकल आती हैं। मोमेंट्स क्या होता है, हर चीज़ को अपने अंदर जो है वो बिठा लेता है। मतलब मूवमेंट्स एक मोर जनरल कॉन्सेप्ट है जिससे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो उसके स्पेशल केसेस बन जाते हैं, इसीलिए हम लोग मूवमेंट्स को बेसिकली पढ़ते हैं। मतलब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, अगर हमने मूवमेंट्स को निकालना सीख लिया तो हमें ये अलग से फार्मूले याद नहीं करने पड़ते हैं, है ना। इन फार्मूलों की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, मूवमेंट्स के ये सब स्पेशल केसेस बन जाते हैं, इसीलिए मूवमेंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जिसके फार्मूले हमको मालूम होना चाहिए। और इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन आप कहीं पर ढूंढने जाओगे कहीं मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये है, ये टर्म बनाए गए हैं और जिनका अप्लीकेशन करके हम ये चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दो, क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, एक टर्म होता है जिसे कहते हैं म्यू आर डैश। म्यू आर डैश क्या होता है, ये होता है आरथ मूवमेंट ऑफ वेरिएबल। आरथ मूवमेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब रैंडम वेरिएबल है ना, आरथ मूवमेंट ऑफ वेरिएबल एक्स है ना, अबाउट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए। मान लीजिए x की कोई स्पेशल वैल्यू है a, अब ये स्पेशल वैल्यू मीन मीडियन कुछ भी हो सकती है, मतलब ये x की किसी वैल्यू के लिए है ना, x की किसी वैल्यू के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है, इसको आरथ मोमेंट कहा जाता है अबाउट एनी पॉइंट x, ठीक है, आरथ मोमेंट म्यू आर डैश। अच्छा अब समझो, जो म्यू आर है खाली म्यू आर, ये होता है आरथ मूवमेंट अबाउट मीन, आरथ मूवमेंट ऑफ एक्स अबाउट मीन। मीन का मतलब वही अबाउट मीन, यानी मीन को हम एक्स बार भी कहते हैं, जो हमने यहां पर मीन निकाला ये वही मीन है और कुछ नहीं है ना, इसको हम एक्स बार भी कहते हैं। तो म्यू आर का मतलब आरथ मूवमेंट अबाउट मीन, और म्यू आर डैश का मतलब मीन के अलावा अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उसको हम कहेंगे आरथ मूवमेंट। तो जब डैश लग जाएगा तो इसका मतलब जो मूवमेंट चाहिए वो आरथ मूवमेंट चाहिए अबाउट एनी पॉइंट है ना, मीन के अलावा, और जब डैश नहीं लगेगा तो इसका मतलब हुआ आरथ मूवमेंट ऑफ एक्स अबाउट मीन। तो ये दोनों में जरा ध्यान रखना है बातों को, ठीक है ना। देखो अब क्या होता है, देखो जैसे इसी में जो म्यू आर डैश है, देखो म्यू आर डैश, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू आर डैश और ये भी
है ना, म्यू आर डैश अबाउट ए, म्यू आर डैश अबाउट ए, मतलब किसी पॉइंट ए के अबाउट जब हम म्यू आर डैश निकालते हैं तो ये होता है इंटीग्रल ए टू बी एक्स माइनस ए की पावर आर और एफ एक्स डी एक्स। ए ए से मतलब वही हमारा ए ए पॉइंट है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट चाहिए, है ना। तो म्यू आर डैश अबाउट ए, इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो म्यू आर डैश अबाउट ए, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए की पावर r और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। a टू b, x कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है, x वैल्यू ले रहा है a से b तक, एक्सपेक्ट जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यू ले रहा है a से b तक, इस बात को समझो। अच्छा अब देखो, इसी में हम a की जगह पर जीरो भी ले सकते हैं इफ a बराबर जीरो। a बराबर जीरो का मतलब ये हो जाएगा म्यू आर डैश अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन हो जाएगा, ये बात समझो। तो जब a की जगह 0 ले लेंगे तो a टू b x की पावर r और fx dx हो जाएगा। a की प्लेस पर 0, a मतलब कोई जनरल पॉइंट है, a की जगह 0 ले लिया तो ये हो जाएगा mu r dash about origin, है ना, मतलब rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो जाएगा, mu r dash है ना, rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। अच्छा इसके बाद देखो, अगर हम mu r निकालेंगे, म्यू आर का मतलब क्या हो गया, आरत मूवमेंट अबाउट मीन। म्यू आर डैश में दो चीजें हैं, अबाउट एनी पॉइंट ए और ए की जगह जीरो रख देंगे तो अबाउट ओरिजिन हो जाएगा। अगर हम म्यू आर निकालेंगे, म्यू आर का मतलब आरत मूवमेंट अबाउट मीन, तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें, जो ए है ना ए की जगह पर एक्स बार लिख देना है, ए की प्लेस पर हमें क्या लिख देना है बोलो, एक्स बार लिख देना है। एक्स बार का मतलब क्या हुआ, मीन, या ऐसा कह लो कि आपको यहां पर मीन लिख देना है, मीन ए की जगह पर आपको मीन लिख देना है, पावर आर जो यहां पर ए था ना, ए की जगह आपको मीन ले लेना है, मीन को जिससे भी रिप्रेजेंट करें, कई लोग मीन को एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यहां पर मीन की जगह पर एक्स बार भी लिख सकते हैं, है ना, एक्स बार, ठीक है। तो अगर हमें म्यू आर चाहिए है, म्यू आर का मतलब हो गया आरथ मूवमेंट अबाउट मीन, तो आपको ए की जगह बस मीन कर देना है, है ना। और अगर आपको आरत मूवमेंट अबाउट ओरिजिन चाहिए है तो ए की जगह जीरो ले लेंगे, मतलब ये जो मेन फार्मूला है म्यू आर डैश का, ठीक है, ए टू बी एक्स माइनस ए की पावर आर एफ एक्स डी एक्स। अगर आपको म्यू आर चाहिए, म्यू आर का मतलब आरत मूवमेंट अबाउट आपका मीन हो गया, तो ए की जगह मीन, और म्यू आर डैश अबाउट ओरिजिन चाहिए तो ए की जगह आप ओरिजिन रख देंगे। ये दो फार्मूले, मतलब खासतौर पर ये फार्मूला अगर आपने याद रखा तो इससे आपको बेटा बहुत हेल्प यहाँ पर हो सकती है। अब देखो, जैसे r की हम स्पेशल वैल्यू ले सकते हैं, है ना, r की हम स्पेशल वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ये हमने जो निकाला है, इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको ये सब वीडियो बता रहा हूँ, लिखो फटाफट जल्दी से। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, हम दिलदारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया वो प्यार किया, जो नफरत की वो नफरत की, अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे, अच्छा ये बात है तो फिर आएंगे, हम तेरे प्यार को आजमाएंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो म्यू आर डैश जब आप लिखेंगे तो ये बताना जरूरी है किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं। अब मैंने अबाउट ओरिजिन लिया तो अच्छा, आर की जगह वन ले लिया तो म्यू वन डैश आ गया, भाई म्यू वन डैश का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मूवमेंट हो गया, इसको हम फर्स्ट मूवमेंट कह देंगे, ठीक है। तो r की जगह 1 ले लो तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल a टू b और x fx dx हो गया, समझो बात को ध्यान से भाई। म्यू वन डैश का मतलब क्या हुआ, अबाउट ओरिजिन में आपने r इक्वल टू 1 रख दिया तो म्यू वन डैश हो गया। और देखो यही फार्मूला तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मीन का, तो मतलब देखो यही हमारा वही मीन हो गया, मीन का मतलब वही अर्थमेटिक मीन या जिसको हम अभी एक्स बार लिख रहे थे, समझो ध्यान से। तो इसलिए देखो मूवमेंट से क्या होगा, मूवमेंट से ही आपका जो मीन है वो निकल आया, मतलब मीन क्या है, मूवमेंट का एक स्पेशल केस है, समझो ध्यान से, इसलिए मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया तो सारी चीजें हमारी यहीं से निकल आएंगी, है ना, म्यू वन डैश हमने निकाला। देखो अब अगर हम यहीं से म्यू टू डैश निकालें, म्यू टू डैश अबाउट ओरिजिन,
म्यू टू डैश अबाउट ओरिजिन, तो अबाउट ओरिजिन देखो यही वाला आर की जगह टू ले लोगे, आर की जगह टू ले लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स और टी एक्स। तो ये हमारा देखो म्यू टू डैश का मतलब सेकेंड मूवमेंट हो गया, है ना। म्यू टू डैश का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां से देखो ये सेकेंड मूवमेंट हो गया, तो इसको हम कहेंगे सेकेंड मूवमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंड मूवमेंट, क्योंकि आर की जगह हमने टू ले लिया। अच्छा अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो यहां पर ध्यान से, कि अगर हम म्यू टू को निकालें तो ये हो जाएगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, म्यू टू का मतलब देखो ये वाला है ना, ये वाला आर की जगह आप टू ले लोगे तो यहां से आपको म्यू टू मिल जाएगा, आर की जगह टू ले लोगे तो यहां से आपको म्यू टू मिल जाएगा। म्यू टू का मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। मतलब देखो आर की जगह टू रखोगे तो यहां से आपको म्यू टू मिल जाएगा, लेकिन यही म्यू टू आपको यहां से भी मिल जाएगा, है ना। म्यू टू क्या है, म्यू टू क्या है देखो, ये है आपका, है ना, म्यू आर क्या था, आरथ मूवमेंट अबाउट मीन था, तो म्यू टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आरथ मूवमेंट सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, है ना। ये क्या हो जाएगा म्यू टू हो जाएगा सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं हमेशा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर से। म्यू टू डैश की मतलब वैल्यू ये और म्यू वन डैश का होल स्क्वायर ये, जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपको यहां से म्यू टू मिल जाएगा, और ये क्या है, ये है सेकेंड मूवमेंट अबाउट, है ना, मीन। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जरा आप लोग अगर एक बात यहां पर ध्यान से समझें, तो यही जो वैल्यू है म्यू टू को ही हम वेरियंस कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, वेरियंस का मतलब इसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब बातें याद रखिए, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके मतलब क्या होते हैं, ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि भाई इनके वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना इनके मतलब असल में बहुत ज्यादा कुछ निकलते हैं नहीं, थोड़े बहुत निकलते हैं, वो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। ये सब मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है ना, इनके फार्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बात कह रहा हूं, तो उनको जरा ध्यान रखिए। तो मतलब म्यू टू ही वेरियंस का स्क्वायर होता है, मतलब वेरियंस, वेरियंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। वेरियंस क्या होता है, ये होता है सिग्मा का स्क्वायर। जैसे कि मान लो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू टू। समझो बात को ध्यान से, क्योंकि म्यू टू क्या है, सिग्मा का स्क्वायर है, और सिग्मा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वेरियंस होता है, है ना। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू टू। तो म्यू टू क्या है, इसको हम वेरियंस कहा करते हैं, और वेरियंस होता है, मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि वेरियंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। आप ऐसा भी कह सकते हो कि वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और यह हर जगह होता है, चाहे आपका वेरिएबल कंटिन्यूअस हो, चाहे आपका डिस्क्रीट हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ये मतलब फार्मूले जो है ना, वेरिएंस हमेशा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके स्क्वायर को वेरिएंस कहा जाता है, है ना। या ऐसा कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब सिग्मा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस का मतलब क्या होता है, म्यू टू, है ना। ये बात यहां पर जरा समझ लो बच्चों अच्छे से। तो म्यू टू बराबर होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू डैश की वैल्यू अगर आप रख दें, म्यू टू डैश की देखो ये वैल्यू रख दें और म्यू वन डैश की ये वैल्यू रख दें, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको यहां से वेरिएंस मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, जरा इसको यहां पर ध्यान से आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। लिखो जरा, अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा डिटेल से, अभी मैं आपको इसका हर एक सवाल अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा, पहले जरा फार्मूलों को एक साथ समझ लो। लिखो जरा ध्यान से, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार,
एक डोर से बंद होगी सजन किसी दिन हमारे साथ, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार कि मैं इस घड़ी की तू उस घड़ी के आऊं कभी ना, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। देखो ध्यान दो, अब इसके बाद देखो क्या होता है कि कुछ और टर्म होते हैं जिसको हम अल्फा कोफिशिएंट्स कहते हैं। देखो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं जिनको हम कहते हैं, ये म्यू आर डैश और म्यू आर के फार्मूले याद रखो। म्यू आर डैश में यहाँ म्यू आर लिखा है ना, चलो म्यू आर और म्यू आर डैश आप जानते हैं ये क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। देखो क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दो यहाँ पर। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कोफिशिएंट्स। अल्फा कोफिशिएंट्स देखो, अल्फा कोफिशिएंट में बच्चों क्या होता है, एक टर्म आता है अल्फा वन जिसकी वैल्यू होती है म्यू वन अपॉन सिग्मा, दूसरा टर्म आता है अल्फा टू, अल्फा टू होता है म्यू टू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, है ना। म्यू टू वही आप म्यू आर की हेल्प से आर को टू रख के म्यू टू निकाल सकते हैं, आर को वन रख के आप म्यू वन निकाल सकते हैं, बस समझे ना, आर को वन रख करके आप म्यू वन निकाल सकते हैं, समझो बात को ध्यान से। तो क्या होगा यहां पर, जरा बात को समझो ध्यान से, म्यू टू क्या है, म्यू टू देखो खुद ही सिग्मा का स्क्वायर है, तो म्यू टू और सिग्मा स्क्वायर चूंकि बराबर है इसलिए ये वैल्यू हमेशा वन हो जाएगी। अच्छा अल्फा थ्री जो होता है ये होता है म्यू थ्री अपॉन सिग्मा की पावर थ्री, म्यू थ्री अपॉन सिग्मा की पावर थ्री, और इसको हम अंडर रूट बीटा वन भी कहते हैं और इसी को गामा वन भी कहते हैं। ये बीटा वन गामा क्या है ये बताता हूं मैं आपको, असल में ये मुझे बाद में लिखने चाहिए थे, गलती से मैं पहले लिख गया, कोई बात नहीं इसको नोट करो जरा मैं बताता हूं आपको। और जो अल्फा फोर होता है ये होता है म्यू फोर अपॉन सिग्मा की पावर फोर और इसको हम बीटा टू भी कहते हैं। ये बीटा वन बीटा टू क्या है इसको बताता हूं मैं आपको, इनको जरा लिखो ध्यान से। देखो ये जो बीटा और गामा है इनको कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स भी कहा जाता है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स। देखो क्या होता है ये जो बीटा और गामा है इनको हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स, ठीक है, बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा को हम कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये भी वही सब अपने मूवमेंट्स की हेल्प से निकाले जाने वाले टर्म हैं, इनसे भी कई सारे फायदे होते हैं। जब हम मूवमेंट को निकालते हैं तो मूवमेंट की हेल्प से ये टर्म हम लोग निकाल लेते हैं, तो इससे भी हमको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बड़ी आसानी से बच्चों यहां पर मिल जाती हैं। देखो क्या होता है इनमें सबसे पहले एक टर्म आता है बीटा वन, और बीटा वन होता है म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू की पावर थ्री, है ना, सबसे पहला टर्म इसमें आता है बीटा वन, और बीटा वन होता है म्यू थ्री का होल स्क्वायर अपॉन म्यू टू की पावर थ्री। म्यू थ्री यहां से निकल जाएगा आर की जगह थ्री रख करके, और म्यू टू भी यहां से निकल जाएगा आर की जगह टू रख करके, है ना। तो सबसे पहले देखो यहां पर बीटा वन हम लोग निकाल लेते हैं। बीटा फोर बच्चों क्या होता है, देखो बीटा होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से हम लोग इसको बीटा टू को निकालते हैं, म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो एक टर्म होता है गामा वन, गामा वन होता है अंडर रूट बीटा वन, फिर होता है गामा टू, ये होता है बीटा टू माइनस थ्री। तो ये बीटा वन बीटा टू गामा वन गामा टू, है ना, ये चार टर्म जो हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स इनको हम लोग कहते हैं।
तो एक्चुअली इनके थ्योरेटिकल मीनिंग क्या हैं इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा, आपको परेशान मत होइए इनके थ्योरेटिकल मीनिंग क्या होते हैं, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि ये चीज़ें आपस में बहुत रिलेटेड है ना, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये मूवमेंट्स और कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट जो है ये आपस में बहुत रिलेटेड है, इनके फार्मूले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इनके कोई जो जिसे हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज वाले मीनिंग बहुत ज़्यादा कुछ निकलते हैं नहीं, ये बस आपको मूवमेंट्स और मीजर्स के बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं, फिर भी मैं इसको डिस्कस करूँगा और ये आपके बाद जहन में दिमाग में उतार दूँगा। अभी फ़िलहाल आप इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए क्योंकि तुम कहोगे सर आप समझा नहीं रहे हो, हाँ मैं समझाऊँगा, हालाँकि मैंने बताया फिर कि इनके थ्योरेटिकल मीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, बस ये टर्म बनाए गए जिससे कि सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने में हमें आसानी हो जाए और कुछ नहीं, ये टर्म बनाए गए जिससे कि सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने में थोड़ी सी हमको आसानी हो जाए। तो बीटा वन हो गया म्यू थ्री का होल स्क्वायर अपॉन म्यू टू का होल क्यूब, बीटा टू हो गया म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर, गामा वन हो गया अंडर रूट ऑफ बीटा वन, गामा टू हो गया बीटा टू माइनस थ्री। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए अगर बीटा वन जीरो हो जाए, एक बात ध्यान रखना कि अगर बीटा वन की वैल्यू जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल मतलब ये हुआ सिमेट्रिकल, मतलब देखो ये हुआ कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ होगा वो दोनों तरफ एक जैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी पीडीएफ का जो हम ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ दोनों तरफ एक जैसा होगा, इस बात को ध्यान देना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा जबकि हमारा बीटा वन जीरो होगा, और ऐसे केस में ध्यान रखना जो हमारा मीन है वही मीडियन होता है और वही मॉड होता है, मतलब यही वाला जो टर्म है यही आपका मीन हो जाएगा और यही आपका मीडियन हो जाएगा और यही आपका मॉड हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कब होगा, जब बीटा वन जीरो होगा। अब मीन तो आपने पढ़ा है, मीडियन और मॉड अभी मैं निकालना सिखाऊंगा, टेंशन नहीं पालना कि मीडियन मॉड कैसे निकलते हैं, ठीक है ना। तो अगर बीटा वन जीरो होगा, बीटा वन की वैल्यू होगी म्यू थ्री का होल स्क्वायर अपॉन म्यू टू का होल क्यूब, तो मतलब बीटा वन जीरो का मतलब म्यू थ्री को जीरो होना चाहिए, बीटा वन जीरो होने का मतलब क्या हुआ म्यू थ्री को जीरो होना चाहिए, और ये म्यू टू म्यू थ्री सब हम लोग यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बात को जरा यहां पर समझो, देखो ध्यान दो, एक्चुअली क्या होता है जो म्यू आर डैश है वो निकालना थोड़ा इजी होता है, म्यू आर को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि म्यू आर डैश में जनरली जो म्यू आर डैश निकालते हैं वो अबाउट ओरिजिन निकाल लेते हैं, तो यहां पर एक्स की पावर फोर। अब म्यू आर निकालने के लिए क्या होगा, पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, तो ध्यान देना म्यू आर को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है जबकि म्यू आर डैश को निकालना थोड़ा सा इजी होता है। तो देखो इसीलिए अभी मैंने बताया था आपको कि जो हमारा म्यू टू है जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, तो देखो म्यू टू क्या होता है, म्यू टू होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, और इसी को हम वेरिएंस कहते हैं, अभी मैंने आपको समझाई थी। देखो इसी प्रकार जो म्यू थ्री है, देखो इसकी वैल्यू भी हम लोग डैश के टर्म में इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी हम लोग डैश के टर्म में इस तरीके से निकाल सकते हैं म्यू थ्री, क्योंकि देखो म्यू आर को निकालना मुश्किल है तो इसलिए डैश निकालना इजी होते हैं। जैसे म्यू आर डैश का हमने फार्मूला पढ़ा था, तो म्यू आर डैश वाले फार्मूले से हम म्यू टू डैश निकाल लेंगे, म्यू वन डैश निकाल लेंगे, म्यू थ्री डैश निकाल लेंगे, और जब हमें म्यू टू म्यू थ्री चाहिए होगा तो इन फार्मूलों की हेल्प से भी कई बार हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट म्यू आर में आर को टू रख के निकालोगे वो चीज़ें थोड़ी टफ पड़ती हैं, इसलिए ये फार्मूले बनाए गए। हालांकि इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा हमको नहीं पड़ेगी, अब देखो इनकी जरूरत यही है, जैसे हमसे अगर बीटा वन पूछा गया तो बीटा वन निकालने के लिए आपको म्यू थ्री चाहिए तो म्यू थ्री इस मेथड से निकाल लो, क्योंकि म्यू टू म्यू थ्री चाहिए, बीटा टू चाहिए तो म्यू फोर। हालांकि ये टर्म पूछे कम जाते हैं क्योंकि इनको निकालना थोड़ा सा टीडियस वर्क होता है, थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, फिर भी ये सब बातें हमको मालूम होनी चाहिए। अच्छा इसी प्रकार देखो जो हमारा म्यू फोर है, देखो ये हो जाएगा म्यू फोर डैश माइनस फोर
और म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस का सिक्स म्यू टू डैश सॉरी प्लस का सिक्स और म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश का होल स्क्वायर माइनस का थ्री म्यू वन डैश की पावर फोर। हालांकि देखो ये फॉर्मूले थोड़े से टिपिकल हैं, इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर बेटा ये हमारे काम आते हैं और हमको इन्हें याद रखना पड़ता है। बस समझे, म्यू टू तो इजी है, म्यू थ्री भी थोड़ा चलो याद हो जाएगा। म्यू थ्री क्या है, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश का होल क्यूब। म्यू फोर क्या हो गया, म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस का सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस थ्री और म्यू वन डैश की पावर फोर, है ना। ये बात समझो, तो ये अगर निकलेंगे तभी बीटा वन बीटा टू निकलता है। हालांकि म्यू फोर और म्यू टू को हम म्यू आर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि उसके लिए आपको मीन पहले निकालना होता है। तो म्यू टू डैश और म्यू थ्री डैश और म्यू वन डैश एक्चुअली निकालना बड़ा ईजी होता है, तब वो हम निकाल लेंगे आसानी से। ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब देखो ऐसा होता है बेटा, जैसे कि अगर हमें मीडियन निकालना हो, देखो ध्यान रखना मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता। अभी मैं ये सबके सवाल आपको कराऊंगा, ये सब फार्मूले बता रहा हूँ, जरूरी है बेटा इसको लिख लो, इनके मतलब क्या होते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में ये क्या होते हैं, ये भी मैं सब समझाऊंगा। थोड़ा वेट करो अभी, क्योंकि उसमें अगर हम उलझ गए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाएंगी और इनके बेसिक मतलब लैंग्वेज वाले मतलब बहुत ज़्यादा होते भी नहीं, ये भी दिक्कत है। ये टर्म बना दिए गए हैं क्योंकि इनसे सेंट्रल टेंडेंसी निकल जाती है आसानी से, इसीलिए। देखो समझो, अगर हमको मीडियन निकालना हो, ध्यान रखना मीडियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मेरा ग्राफ है, तो मीडियन का मतलब ऐसा पॉइंट जो कि मीडियन को एम कहते हैं, जो कि पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मान लो जैसे ए से लेकर बी तक हम जा रहे हैं, ये हमारा एक्स है, ए से लेकर बी तक जा रहा है, तो पूरे एरिया को मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो हमारा मीडियन होता है। तो अगर हमें मीडियन निकालना है तो देखो इसका तरीका ये होता है कि अगर हम ए से लेकर के एम तक एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, एफ एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन एम से लेकर के बी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो ये दोनों ही वैल्यू हाफ के बराबर होंगी, क्योंकि पूरा एरिया वन होता है, ए से लेकर बी तक पूरा एरिया वन होता है, ये हमको मालूम है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर ए से बी तक दी गई तो पूरा इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक वन होता है, तो ये भी इंटीग्रेशन हाफ हो जाएगा और ये भी इंटीग्रेशन हाफ हो जाएगा, मतलब इसको भी हाफ के इक्वल कर देंगे और इसको भी हाफ के इक्वल कर देंगे, तो इससे हमें क्या होता है एम की वैल्यू मिल जाती है। मतलब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं एम निकाल लेते हैं, एम क्या होता है हमारा मीडियन, मीडियन का मतलब जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, है ना, जो कि हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको हम लोग कहते हैं मीडियन। इस बात को जरा यहां पर ध्यान से समझो, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो एक टर्म यहां पर आता है जिसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन, एक टर्म होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, देखो मीन डेविएशन को हम लोग शॉर्ट में एमडी कहते हैं। तो क्या होता है एमडी अबाउट ए, एमडी अबाउट ए ये होता है इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स और डी एक्स। एफ एक्स वही अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और ए से बी मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ए से बी है, हम ये हर जगह मान के चल रहे हैं, हर जगह हम ये मान के चल रहे हैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ए से बी है। ए क्या है, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे ए की जगह मीन भी हो सकता है, ए की जगह मीडियन भी हो सकता है, तो जो भी होगा वो ए की जगह लिखना पड़ेगा। मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलेगा तो यहाँ ए की जगह मीन आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकलेगा तो ए की जगह यहाँ पर मीडियन आ जाएगा। ये बात जरा समझो, तो ये मीन डेविएशन को निकालने का बच्चों फार्मूला है इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एफ एक्स, ए की जगह पर हम जिसके अबाउट पूछेंगे उसको रख दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों क्या आता है,
Q1 एंड Q2 आता है। Q1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल और Q2 का मतलब सेकेंड क्वार्टाइल। जैसे मीडियन क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, पूरे एरिया को। Q1 Q4 क्या करते हैं, ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। देखो यहां से हम क्वार्टाइल भी निकालते हैं, है ना। देखो क्या होता है, Q1 एंड Q2 Q1 को कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, Q-U-A-R-T-I-L-E, और Q2 को कहते हैं सेकेंड क्वार्टाइल। देखो जैसे क्या होता है, ये चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो ये है तो ये Q1 है और ये Q2 है। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो यहां पर कि देखो जैसे अगर हम ये मान लो A है और ये मान लो हमारा बी है, है ना। देखो क्या होता है, फोर इक्वल पार्ट्स Q1 और Q2, है ना। Q1 और Q3 चलो कर लो, Q1 Q3 ज्यादा ठीक है, Q1 और Q3 कर लो, है ना। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे यहां पर हमारा मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया, तो Q1 क्या करेगा इस पूरे को, जैसे कि मान लो अगर हम A से लेकर Q1 तक इंटीग्रेट करेंगे अपने fx को, है ना, तो ये वाला एरिया, जैसे देखो चार एरिया हो गए, 1, ये वाला 2, ये 3 और ये 4, A से B तक जाना। तो अगर हम A से लेकर Q1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरे का 1/4 होगा। तो इससे हमें Q1 की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से। Q1 क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल, और Q3 क्या हो गया, सेकंड क्वार्टाइल। इसको फर्स्ट क्वार्टाइल और इसको हम सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं, फर्स्ट और थर्ड भी चलो इसको कह सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, और चूंकि Q3 ले लिया है तो इसको हम थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं, है ना, इसको हम थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान। तो Q1 और Q3 भी देखो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो Q1 अगर हमें चाहिए तो A से लेकर Q1 तक किया, और fxdx ये वैल्यू 1/4 होगी क्योंकि देखो चार इक्वल एरियाज हो गए। इसी प्रकार अगर हमें Q3 चाहिए तो क्या होगा, हम Q3 से लेकर के B तक अपने fx को इंटीग्रेट करेंगे और इसको 1/4 लिखेंगे, तो इससे हमें Q3 की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमें Q1 चाहिए तो A से लेकर Q1 तक fx को इंटीग्रेट करोगे, और अगर हमें Q3 चाहिए, है ना, तो यहां से आप क्या करोगे, या देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, इसकी जगह पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि A से लेकर Q3 कर दो, एक ही बात है, A से लेकर के Q3 कर दो और इसको 3/4 कर दो, बात बराबर है। ऐसा भी कर सकते हो कि A से लेकर Q3 कर दो और इसको 3/4 कर दो, या Q3 से लेकर B करोगे तो पूरे का एरिया 1/4 करना पड़ेगा, बात बराबर, क्योंकि ये एरिया पूरे का 3/4 हो गया, क्योंकि पूरा एरिया 1 है, तो ये वाला एरिया 1 का 1/4 हो गया, और यहां से यहां तक का एरिया 3/4 हो गया, यहां से यहां तक जाओगे तो फिर वो एरिया 1/4 हो जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो। तो Q3 और Q1 मतलब इसको फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल हम लोग यहां पर कह सकते हैं, है ना। अच्छा इसके बाद देखो ध्यान रखना, जैसे कि अगर हमें मोड निकालना हो तो मोड का मतलब होता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमारा जो एफएक्स है मैक्सिमम है। तो मोड का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफएक्स इज मैक्सिमम, जिसके लिए हमारा एफएक्स जो है मैक्सिमम है, मतलब एफएक्स की वैल्यू, एफएक्स मतलब वही अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये कहां पर मैक्सिमम है, तो ये हमारा मोड होता है जहां पर ये मैक्सिमम है। कि देखो ऐसे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये तो ये मोड हो गया। और मीन का मतलब मीन कहीं यहां जा सकता है, मीन का मतलब जिससे दोनों एरिया बराबर आए, मीन का मतलब दोनों एरिया बराबर आए, मोड का मतलब जिस पॉइंट पर उसकी वैल्यू हाईएस्ट है, है ना। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो मीन, मीडियन, मोड सब कुछ बराबर हो जाता है, ये मैंने बताया आपको।
तो मोड का मतलब ऐसे कि ये मान लो ऐसा केस है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, एक जैसा हो गया, तो यही वाला मतलब एक जैसा हो गया तो मतलब क्या हुआ, आप देखो ऑटोमेटिक ये वाला एरिया बराबर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा मोड हो गया और यहीं पर मीडियन भी हो गया और यही पूरे का मिड पॉइंट भी हो गया, तो ये मीन भी हो गया। ऐसे केस में देखो जैसे ये मोड हो गया, यहां पर क्या है, यहां पर हमारा मोड है, मोड का मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट है, और यहां पर कहीं हमारा मीडियन होगा, मीडियन का मतलब ये दोनों एरियाज बराबर, मतलब जैसे कि मान लो ये एरिया लिया और ये एरिया लिया, ये एरिया बराबर है ना, तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि वो एरिया को बराबर करता है, मोड का मतलब जिस पॉइंट पर वैल्यू हाईएस्ट है, और इस मोड को निकालने का तरीका क्या होता है, हमें मैक्सिमा चाहिए, तो मैक्सिमा का मतलब कि आप डिफरेंशिएशन जीरो कर दीजिए और डबल डेरिवेटिव को निगेटिव कर दीजिए, वही जो मिनिमा मैक्सिमा को निकालने का तरीका था। तो डिफरेंशिएशन को जीरो करके एक्स मिलेगा और उसमें से मतलब एक्स की वैल्यू दो या तीन चार जितनी मिले उनमें से ऐसा एक्स लेना है जिस पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निगेटिव होने से उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम, ये वही चीज है ना। तो डिफरेंशिएशन जीरो करो सबसे पहले, उससे आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, एक या दो या तीन जितनी भी मिल जाए, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालो, डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो, उससे एक्स मिलेगा। अब उन्हीं एक्स में से चेक करो कि ऐसा कौन सा एक्स है जिस पर हमारा डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव मतलब आपको मोड मिल जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट जिस पर आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर आपका जो फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर बच्चों मोड कहेंगे। तो ये बेटा हम लोगों ने बेसिक इसके जो फार्मूले हैं उनको पढ़ा कि क्या चीज़ कैसे निकलती है, तो अभी हम लोग इनके क्वेश्चन भी बेटा अच्छे से करेंगे, टेंशन नहीं पालना बिल्कुल भी, इसके मैं आपको हर टाइप के हर प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे सब कराऊंगा, इन फार्मूलों को जरा ध्यान रखना और इनके मीनिंग क्या होते हैं ये मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा, हालांकि इनके थ्योरेटिकल मीनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं नहीं, बस समझे बच्चों। चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल से इनके सवाल भी करेंगे। बाय बाय बेटा।